لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الانبياء والمرسلين لا سيما بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين अما بعد فقد قال إمام الصادق عليه والسلام العامل على غير بسيرة كالسائر على غير الطريق ولا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعده نادرين سلام عليكم जिस हदीस को मैंने अपना सर्नाम इस खान करार दिया है उसमें मामक आल साम शाह फरमाते हैं कि किआमिलैर बसर एक ऐसा अमल करने वाला कि जो बेबीरत हो तो उसका अमल ऐसा है गोया के कस्सा इरे अला गैर तरीक़ उसका अमल वमल करने वाला ऐसा है जैसे कि कोई इंसान रास्ते से भटक जाए वला अजीद वह सूरत सैर में न तो जो इंसान अपने रास्ते से भटक जाए फिर वो लाख तेज क्यों न चल ले, अपने मकसद से करीब नहीं होगा बल्कि अपने मकसद से दूर ही होता जाएगा ये हदीस अमाली सदुक सफ़ा पाँच सौ सात हदीस 18 नाजरीन जैसा कि आप हज़रत बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे दर्स और जलसे कांवान है आशनाई बा मना हदीस ये शिया यानी इंट्रोडक्शन ऑफ शिया बुक्स और बहमदिला आज हमारा काफ़ी का दौरा तमाम हो रहा है और अब यहाँ से हम जो है शेख सदुक और उनकी किताब अलफ़ी से आशना होंगे सामाइन और नाजरीन हम लोगों ने जो अब तक काफ़ी के सिलसिले में पढ़ा और काफ़ी के पहले भी कुछ मुकदमाती बहसें थीं जमाम अवलीए जमाम मतदम मतदम और जमामविये और फिर जो है चार अदवार थे मौल मतान का दौर जो चौथे इमाम तक चला फिर दूसरा दौर इमामा सादान सलाम का और तीसरा दौर इमाम मूस काजलम से लेकर के गैबद शहरा का और चौथा दौर गैबरा से लेकर के अब तक का इस इन दौरान में जो जो किताबें लिखी गई उसकी इन है कुछ की नकदबर रसी और कर चुके हैं और आने वाले जल्सों में कुछ की हम करेंगे और उनके बारे में उन किताब से और उनके मुल्फिन से आशना होंगे जल्दी जल्दी अपनी बातों को कामिल करना चाहूँगा हम लोगों ने किताब काफ़ी के सिलसिले में नाम किताब को उसकी तालीफ़ कब हुई यानी कि टोटल बीस साल लगे थे उसकी तालीफ़ में और तालीफ़ की वजह एक उनके दोस्त की का तकाजा था कि आप किताब ऐसी लिख दीजिए कि जो हमारी दो मुश्किल को हल कर दे और किताब के साख्तार के सिलसिले में हमने पढ़ा कि मबाहिस की जो है तरतीब किस तरह से है उसूल में क्या है फ्रो में क्या है रोज़ा में क्या है अदीस की तादाद क्या है उसमें कितने फॉल थे वो हमने पढ़े उसके बाद असनाद को पेश करने का तरीका पढ़ा और काफ़ी में मौजूद जो अद्दा है आयन दाल हादतुलमिन असहाबे इद्दा से मुराद क्या है वह हमने पढ़ा और खुद मरहूम कुलाननी और उनके शागिदों का नाम जो सनद में आया है उससे हम आशना हुए और जो गैर मासूम से रवायात मरवी हैं उनके बारे में हम जान चुके फिर मतन के बारे में हमने पढ़ा के मरहे कुलनी किस तरह से जिक्र क्या करते थे कि उसमें जो तारज़ वाली रवायत हुआ करती थी उनको जिक्र नहीं किया करते थे सिर्फ उसी रिवायत वो उस जिक्र करते थे जो उनकी फ़िक्ही नज़रिए के मुताबिक हो और तखती से न से काम लेते थे यानी कि अगर एक जलसे में मासूम ने अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात की है तो उसको तख्ती से काम करके हर एक टुकड़े को उसके बाद में जगह देते थे और तश्रिय और शर भी आपने बयान की फिर हमने काफ़ी की खसूसियात पढ़ी और काफ़ी के अतबार के सिलसिले में हमने जो है नज़रियात देखे और फिर आखिरी में जो है बहस हमारी हुई उसोले काफ़ी फ्रो का, यानी किताबें काफ़ी के ऊपर जो शरहें लिखी गई हैं जो हवाशी लिखे गए हैं है, उनसे हम आशना हुए और अब जो हमारा आने वाला जलसा है वह इन शेख सदुक रहमा से शुरू होगा तो शेख सदुक रहमा की किताब के बारे में हम कैसे शुरू करेंगे मसलन शुरुआत होगी जनाब शेख सदुक रहमा की जिंदगानी से हम उनके बारे ज़िंद के बारे में जानेंगे फिर उनके दौर में सियासी और फरहंगी माहौल कैसा था उससे हम आशना होंगे आलम आलिमान की निगाह में शेख सदुक की क्या हैसियत है आलिमान आपको किस नज़र से देखते हैं उससे हम आशना होंगे शेख सदूक के अस्तित कौन कौन हैं उनके शागिद कौन कौन हैं इससे हम जाने इसके बारे में हम जो है जानेंगे शेख सदूक की तालीफात क्या क्या हैं और एक आपकी किताब थी मदीनतुल मदीनतुल मदीनतम के बारे में जो निकात हैं हम उससे आशना होंगे कहा जाता है कि यह मदीनतम खुद फकीह के दो बराबर किताब थी जो बहुत ही अफसोस का मकाम है कि अभी हमारे हाथों में नहीं है यानी हमारे पास आज के ज़माने में मौजूद नहीं है ये तल, तलफ हो गई है फिर हम जो है मजर वालफ़ी के सिलसिले में मतलब देखेंगे मसला किताब का नाम किताब कब तालीफ हुई <coughs> किताब का जो है मौजू क्या है किताब क्यों तालीफ़ की गई शेख सदुक के माखज़ क्या क्या थे यानी सोर्सेस क्या क्या थे और आपने किस मेथड और किस तरीक़े के ऊपर किताब को लिखा है तो आने वाले जलसे में अजीजान हम इन सब चीज़ों से आशना होंगे तो चलिए अपने दर्स को शुरू करते हैं अलहदिल्ला यहाँ पे हमारा काफ़ी का दौरा तमाम होता है और अब हम दाखिल हो रहे हैं शेख सदु रहमा और आपकी किताब के सिलसिले में अब यहाँ से हम जानेंगे आपकी किताब और आपके सिलसिले में सबसे पहले आपका नाम आपकी कन्या थी अब जाफ़र नाम था मोहम्मद बिन अली इबन हुसैन बिन बाबाह कमी और आप मारूफ हुए थे शेख़ सदुक़ के नाम से आपकी वफ़ात तीन सौ इक्यासी हिजरे में वाक़ हुई आपका लक़ब रईसुल मुहदसिन है आपके वालद माजिद अली इब्न हुसैन बिन बाबा जो कि तीन सौ उनतीस हिजरे में आपने वफात पाई आप शियों के बुज़ुर्ग मुहदसन और फ़ुह में से गबत में के ज़माने में शुमार किए जाते हैं नजाशी आपके आप अली वाली हुसैन बिन बा रहमा के बारे में लिखते हैं कि आप अपने ज़माने में कमी हजरत के शेख यानि उस्ताद थे और उनके मतकदम थे उनके फ़कीर थे उनके से आप इराक़ गए और वहाँ इराक जाने के बाद से आपने हुसैन बिन रोह रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और फिर उसके बाद आपने एक खत लिखा और लिख करके अली इब्न जाफ़र बिन अस्वद के हाथों आपकी खदमत में पेश किया और आपसे तकाजा किया कि आप इस खत को इमाम ज़माना तआला फरजहु शरीफ के खिदमत में पहुँचा दीजिए आपने वह खत पहुँचा दिया और इमाम ज़माना तआला फरजहु शरीफ ने उस खत के जवाब में लिखा आपने ख़त में लिखा था के जो है मुझे दुआ कर दीजिए आप कि मुझे बच्चे पैदा हों क्योंकि आपके वालिद को औलाद आपके वालिद औलाद नरीना से जो है महरूम थे तो अमाम जमान आप जल्ला तरजरीफ़ ने आपके ख़त का जवाब इस तरह से फ़रमायाद दाऊन अल्लाका बजाली का बेतह हमने अल्लाह से इस अमर में दुआ की है वसत तरजु वालदैनी जक़ारइनी और करीब तुमको दो नेकुकार बेटे अल्लाह अल्लाता करेगा हरेजाल नजाशी सफ़ा दो सौ इकसठ रकम छः सौ चौरासी और ख़ुदा ने जो है शेख सदु रहमा की शक्ल में आपको एक बुज़ुर्ग मुहदस और फ़कीह अता किया शेख सदुलर रहमा की विलादत जो है अहतमालन में हुई थी आ, तीन सौ छः हिजरे के आसपास देट और तारीख़ मालूम नहीं है और आपके वफ़ात तीन सौ इक्यासी हिजरे कमरी में हुई थी आपकी क़बर आपके कब्र इब्न बबा शहर में है आपके अस्त में से सबसे पहले उस्ताद और मुहम तरीन उस आपके वालद माजिद अली इबन बबे और फिर उसके बाद इबन वालिद थे कि आपने से हदीसी और रजाली में बहुत ज़्यादा शेख सदो के ऊपर असर छोड़ा आपके अस्त जो है 250 नफ़र से ज़्यादा शुमार किए जाते हैं आपके शागिर्द जो चूँकि आपने जवानी की उम्र से ही जो है मस्ंद हदीस को संभाल लिया था आपके शागिर्दों में से जो उभरे हुए और नोबला हैं उनका नाम शेख मुफीद सैद मुरतज़ा हुसैन बिन उबैदल इब्ने गदाएरी का नाम लिया जा सकता है शेख मुफीद अमा ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हदीसों की जमावारी में आपने मशाइ कुम से यानि अस्त कुम से कस्ब फ़ैज़ कस्ब करने के बाद से आपने रह की तरफ़ महाजरत की यानी रह गए और फिर आप जो है एक सफ़र का तोलानी अरसा शुरू करते हैं और शिया और सोनी तमाम अस्त से आप कस्बे करते हैं आपने तीन सौ बावन हिजरी से लेकर के तीन सौ अठावन हिजरी के दौरान में निशापुर मशहद मरव बागदाद बागदाद में मदीना मदीनतम और कोफा हमदान बल्ख सरखस समरकंद और गुरगान वगैरह का आपने सफ़र किया इसी वजह से मरहुम कुलैनी के बरखिलाफ़ शेख सदु रहमान ने जो है ज़मान तहमुल हदीस और मकान तहमुल हदीस को अपनी सनद में ज़िक्र किया है यानी कि जिस ज़मान में हदीस को ली गई जिस मकान में जहाँ हदीस ली गई उसका सनद में आपने ज़िक्र किया है मिसाल के तौर पर आपकी एक इबारत जो है यहाँ पे हम पढ़ते हैं हद दसन अल्हा फिर यह सिलसिला आगे चलता है फिर आखिर में फ़रमाते हैं फ़िदारही बेनीसाबूर यानी कि उन्होंने अपने घर में निशापुर के अपने घर में तो यहाँ पे मकान का जिक्र हुआ है फी सन वसुल समिया तीन सौ बावन हिजरी में तो इस तरीके से तो उन्होंने ज़मान का भी जिक्र किया है ये जिक्र मिलेगा आपको ओन अखबार रजा ओन अखबार रजा सफ़ा चौदह पर दूसरी मिसाल हदसना मोहम्मद महम्मदुबिनो अमरफ़ बे मदीन सलाम में मोहम्मद बिन अमर हाफ़िज़ ने मुझसे ये हदीस बयान की सलाम वही बगदाद मानुल अखबार सफ़ा एक सौ पच्चीस तो इस तरह से आपने जबान और मकान का अपनी हदीस की सनत में ज़िक्र किया है मरहूम शेख सदूक अलैहि रहमा को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला वो जो है सियासी और इजतमाई साजगारी का फ़ायदा मिला और सिर्फ़ आपको ही नहीं आपके ज़माने में जितने महदसिन और फ़कहा और मौजूद थे सबको इस सियासी और अज्तमाई सियास जो औज़ा थी उसका साजगार होने से आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया ख़ास तौर से आपका दौर वो दौर है कि जिस दौर में आलेबू ने ईरान और इराक पर हुकूमत की ईरान और इराक़ पर आले बूए ने जिस साल में हुकूमत की वो 320 से लेकर के चार हिजरी तक का ज़माना है और ये सारे के सारे हुकमाय आले भूहे या तो अक्सर शिया हुआ करते थे या फिर शिया की तरफ़ मायल हुआ करते थे आपकी खसूसियात आले भूया की हुकमा की खसूसियात में से चंद खसूस हम बयान कर रहे हैं सबसे पहली आप लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे किरदार के साथ पेश आते थे हाँ, दूसरी आपकी खासियत यह हुआ करती थी कि इल्म और का एहतराम की तरवीज में और के एहतराम में आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इसी वजह से आपने हमेशा को बतौर वज़ीर मंतख किया जैसे कि साहिब बिन उबाद मतवा तीन सौ पचासी हिजरी को आपने अपना वजीर बनाया जो कि एक शियों के बर्जस्त आलम में से हैं शेख सदू रहमा उन्होंने अखबार रज़ा को आप ही के नाम लिखा और आपके किताब ख़ाने आपकी लाइब्रेरी को पेश किया और आले भू के दौरान सल्तनत मज़ब तशैय ने रिवाज हासिल किया ये सारी कुछ खसूसियात थीं साहेब बिन उबाद जो कि एक बर्चस्ता आलिम और बेहतरीन शायर भी थे उनका एक बहुत ही अच्छा शेर है इसलिए मैं इसको वक्त की बर्बादी नहीं समझूंगा, क्योंकि हमारे जलसे में कुछ जिक्र अहलैत अलम भी हो जाना चाहिए शेर है अबा हसन लौकाना उबुका लौकाना उब्बा मुदख़ली जहन्नमफोज आंदा जहीम हा फ़ीफ़ा युफ़ुल्नामन हुआ ममिन बेन्ना अमीरमिनी नाकसीम कह रहे हैं कि अय अब हसन अगर आपकी मोहब्बत जहन्नम में दाखिल कर दे तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में दाखिल होना ही कामयाबी है देखिए कितना अच्छा मफहम पेश किया है और दूसरे मिसरे में अर्शात फर फरमाते हैं फ़ैफ़ाकाफुल फर नार के जो इंसान मोमिन हो वो जहन्नम से कैसे डर सकता है कि बेशक जहन्नम के बांटने वाले तो सलातो व सलाम हैं और ये दूसरी दूसरा कता भी बहुत उम्दा है फरमाते हैं लौशुक्न कल्बी तरा वसत सतरान अगर मेरे कल्ब को शिगा कर दिया जाए चीर दिया जाए तो आपको मेरे दिल पर लिखी हुई दो सतर नज़र आएगी दो लाइन दो खत नज़र आएगी कद होती अबिलात बिन के जो बगैर किसी कातब के लिखी गई है पहली सतर क्या है अलादल व तोहेदो फीजान बिन पहले एक जानब एक सतर अल-अदल व तोहद लिखा हुआ है बहुब अहल महम बहूब अहलैत फी जानबिन और दूसरी जानब अह बैत महमद मुसफ़ा सल्हसम की महब्बत लिखी हुई है अल महमद वाल महमदारजहम अब नाजरीन हम यहाँ पर एक निगाह डालते हैं कि शेख सदुआर रहमाए तशैय की निगाह में कैसे थे मा आपको आपके बारे में क्या फरमाते हैं शाह के बुज़र्गान अहिल सुन्नत ने भी आपको जो है अजमत और अजीम नाम से जाना है जैसे कि नजाशी लिखते हैं मोहम्मद बिन अली अपने बबा कौमी अबू जाफ़र नज़ीरय आपकी जो है आपकी खासियत में से एक खासियत ये थी कि आप राय थे आप हमारे उस्ताद हैं शेख होना फ़कीह होना हमारे फ़कीह हैं और आप जो है गुरोह के चेहरे हैं आइडेंटिटी हैं आप खुरासान खुरासान में शेख़ तुसी तुसेरमा लिखते हैं काना जलीलन के शेख सदु जलीलुल जलील थे अहादि के याद करने वाले थे यानी कि अहादीस आपको बेशुमार बेशुमारदें थी याद थी। बसीरम बिरजाल आप आ, रजाल के ऊपर गहरी नज़र रखते थे लिल अखबार अखबार के की जो है नकद और बरसी करने वाले थे लम्भुरा फ़िल्मी नस्ल हो फिलह व वकसरतम ही हजरात में आपकी तरह जो है मज़बूत हाफजे वाला और आपकी तरह कसत वाला देखा नहीं गया लहू नह मिनियाँ मुसन्नफ और शेख सदु रहमा की जो है तीन सौ तसनीफ़ात क़रीब करीब तीन सौ तसनीफ़ा हैं में से जहबी जो है सियार नबला में लिखते हैं शेख सदुर के सिलसिले में साहबुतानीफ़र आप बहुत ज़्यादा अपने जो है तस्नीफ़ें अंजाम दी अस आरती बहन अर्राफ़ज़ज़ा के जो राजा यानी शीयों के दरमियान बहुत ज़्यादा मशहूर थी याद और वो बेहफ बेहफ दहलमसल आप जो है अपनी याददाश्त से हदी बयान किया करते थे युक़लहू सलासम मुनफ़ कहा जाता है कि आपके तीन सौ तसनीफ़ात हैं वक़ान अबू हम इनकबारिम मुसनफ़ी और आपके वालद माजिद भी शियों के बुज़ुर्ग हस्तियों में से हैं और उनके मुन्नफ़िन में से हैं यहाँ अब हम नाजरेन शेख सद्वर रहमा की कुछ तलीफा की तरफ नज़र डालते हैं देखिए आपने क्या क्या चीज़ें तारीफ़ की हैं आपने तकरीबन तीन सौ किताब और रिसाले मुख्तफ मौजुआत में मिसाल के तौर पर तफसर के मैदान में हदीस के मैदान में अखलाक के मैदान में अकायद फिकर रिजाल वग़ैरह के मैदान में तसनीफ़ की हैं कि शेख सदु रह के बाद भी ये सारी किताबें ओलामा की दस्तरस में थीं नजाशी ने दो सौ अठहत्तर आपके असर का नाम जिक्र किया है दो सौ अठहत्तर असर लेकिन आ, बहुत ही अफसोस का मकाम ये है कि जो हमारे दरमियान मौजूद है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीस असर है और बाकी सारे के सारे असर आपके फौत हो गए फ़ौत हो कहाँ हुए कैसे हुए इसके लिए आप तारीख़ तशैयों का अगर मुताल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ और कैसे फ़ौत हुए ये बगदाद का ज़माना था कि जब जो है दूसरी हुकूमत ने शिया मुखालिफ हुकूमत ने बग़दाद के ऊपर हमला किया है शेख़ मुफीद अरमा के बाद का ज़माना यानी सैद शेख़ तुसेरम का ज़माना था तो शेख तसी रहमा को मारने के लिए जान से उनके घर के ऊपर हमला किया गया लेकिन जो है खुदा के फसल करम से शेख तुषा अपने घर में मौजूद नहीं थे वो जो है बच जाते हैं और फिर शेखी रहमा वहाँ से भाग करके आते हैं नजफ़ और नजफ़ में अपने आलमी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं जिसकी वजह से जब यह हमला हुआ है तो बगदाद में शियों को चुन चुन करके मारा गया शियों के सारे आसार जलाए गए यहाँ तक के लाइब्रेरी जलाई गई उस लाइब्रेरी को जलाने का अफसोस शेख रामा को ताम्र रहा बहर कैद आप इसकी पूरी हिस्ट्री जा करके तारीख़ तशाियों में पढ़ सकते हैं अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो शेख सदरमा के अहदिस के आशार हैं जो हमने कहा कि कुछ ही बचे हैं हमारे पास उनके हम नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम है सबसे पहले तोहेद इसमें तोहेद की बहसें हैं रवायात की शक्ल में उसके बाद खिसाल है खिसाल में आपने आदात के मबना पर जो है अहदिस की दस्ताबंदी की है तीसरे मरहले पर अमाली है ये अमाली कहते हैं इमला को शेख सदुलर रहमान ने मख्तलिफ़ जलसात में मुख्तल टॉपिक्स और के तहत आपने जो हदीस बयान की जैसे कि अख्लाक तारीख़ फ़ाएलबैत अलहलम के, के तहत जो आपने हदीस बयान की उनको आपके शागिर्दों ने लिखा और लिख करके एक किताब की शक्ल दी जिसको अमाली कहा जाता है चौथे मरहल में कमालुद्दीन व तमाम ये किताब ग ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्ला तालजहुलशरीफ़ के सिलसिले में लिखी गई पाँचवा आपका असर है शवाबा सवाबुल अहमल में आपने नेक अहमाल और उनकी जजा ज़िक्र की है और काबुल अहमल में आपने उन रिवायत को जिक्र किया है कि जो बुरे अमाल और बुरे अमाल की सज़ा के सिलसिले में ईम मसूम सलाम से और जो है न, नकल हुई हैं उसके बाद सातवां असर है आपका सफ़ात उसमें आपने उन रिवायत को जिक्र किया है के जो रिवायात शियों की सिफात और खसूसियात को बयान करती हैं आठवें मरहले पर फ़जायल श इसमें आपने शियों की मंजिलत और मकाम के सिलसिले में रिवायात को जिक्र किया है फल शराय इसमें आपने अहकाम में से अहकाम अकायद और तारीख़ में से बास कीत बयान की है और आखिर में अखबार रदा ये किताब मरहूम शेख इमाम रज़ा सलाम के सिलसिले में और आपसे जो रिवायत मरवी हुई उनके सिलसिले में लिखा है ग्यारहवा आपका असर अखबार है कि आपने इसको कुरानी इस की शर्म में जो रिवायत आई हैं और अक़दती और फ़िके जो है अलाहत की शर्म में आपने इस जो रिवायत आई हूँ उनको इस किताब में जिक्र किया है बारह तेरह चौदह फजाइलशहर सलासा के नाम से आपने किताब लिखी थी जिसमें आपने उन रिवायात को ज़िक्र किया है जिसमें रजब शाबान रमज़ानमबारक की फ़ज़ीलत के सिलसिले में रवायात एम मासूम आलमलम से मरवी हुई हैं और पंद्रह किताब मंदलायजरफ़ी सोलहवा सर आपका है मशीक़ तो किताब मला हज़रलफ़ी यानी कि मल्ला यह हज़रालफी चूँकि आपने सफ़र में किताब लिखी थी तो संद लिखने का आपके पास मौका और महल नहीं था इस वजह से आपने किताब को सफ़र में लिखने के बाद जब आप हज़र में आए हैं तो आपने मशीख़ा लिखी यानि कि जो संद में मला या हजरलफ़ी में ना लिख सका वो जो है आपने मशीख़ा में लिख दिया ताकि मराजन उधर मुराजा कर सकें शेख सदाल के आसार में से दूसरे आसार जैसे अलमुन या अलमुना फ़िलफ़ है और अदायासूल और फ़्रो में है अत और मदीनतम ये मदीन के बारे में हम पहले भी जो है जिक्र कर चुके हैं यहाँ पे दोबारा जो है मदन के सिलसिले में कुछ जो है निकात आ रहे हैं वो नाजरन आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं शेख तुलसी की तस्रीह के मुताबिक जैसा कि आपने फहरिस्त में जो है इसकी तस्री की है कि यह किताब मन ला या हजरलफ़ीर से बड़ी किताब थी इबन शहराशोब लिखते हैं मदीतल दहजुज़ दस जज़ थी और फ़ीर चार जज़ है ये किताब है इल्म में कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी और इसमें मुख्तलि मौजुआत में मसला फ़िके अखलाक़ी वग़ैरह मौजुआत में अदीस जम की गई थी कुछ लोगों ने जैसे कि हुसैन बिन अब्दुलसमद जो कि शेख भाई अलह के जो है वालद माजिद हैं शेख भाही रमा जो कि नौ सौ चौरासी ईस्वी में आपने वफ़ा पाई शेख भाई आरम के वालिद मदिनतिल कोतुब अरबाँ की रदीफ़ में जो है एक और असल मानते हैं और वो लिखते हैं उसूलूनस शेख भाई के वाले लिखते हैं कि हमारे उसूल पाँच हैं काफ़ी मदीनतम किताब मंदबरूलफ़ीर तहदीब अजतबार ये किताब मदीन दसवीं सदी तकमा की और आवाम की दस्तरस में थी और बाज़ ने इस किताब से रवायत को भी ज़िक्र किया है लेकिन उसके बाद ये किताब जो है हमारे दरमियान नहीं रही फौत हो गई और अब तक के ने इस किताब को ढूंढने का तलाश करने का सिलसिला जो है रोका नहीं जैसे कि मजलिसी मजलिस ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की इस किताब को हासिल करने के लिए लेकिन नाकाम रहे कुछ नमूने हम पेश करते हैं किताब मदिनत इल्म से रिवायत के नकल का सात बार फ़लाह साइल के इबारत में सैद अबिन तऊस हली सैद अबिन तउस हिल मुतवफ़ा छः सौ चौंसठ हिजरी कमरी सात बार आपने जो है सात मवार जिक्र किए हैं फ़लाह स नजाहमसायल सफ़ा सिक्सटी नाइन माँ अदाकार अबू जाफ़र अबू जाफ़रन इबन अबाबाहफ किताब मदिनत बे इस्नाद अलाब आब्दीस कला तनावूफ़ान फ़िन आसू न बिहा तो ये रवायत इन्होंने किताब मदिन तो से ज़िक्र की और तीन बार मनतहद तालब तहकी मजहब में अमामा ने ज़िक्र किया हैसन बिन यूसुफ़ बिन मतहर असादी आपका पूरा नाम था मदे सात सौ छब्बीस हजरी कमारी मिसाल के तौर पर जल चार सफ़ा चौंसठ पर आपने ज़िक्र किया है वरावा इब्न बब फ़ी किताब मदीन फिर अन अब्दुल्ला बिन मुस्कान खाला समय तो अब अब्दुल्लम यक़ुल मकतुलमरब एजा एजा गरबती शम्स वग़ाबा कुरसुहा और शहीद अवल के इबारत में एक बार हम मदीन का नाम देख सकते हैं आपका नाम मोहम्मद बिन मक्यामोली था आपकी वफ़ा सात सौ छियासी का हिजरे गमारी में हुई शहीद अव्वल की किताब है आपकी जिक्र शि फ़ीकामी शरियाँ जल दो सफ़ा एक सौ चौसठ और एक सौ पैंसठ पर आपने इस तरह से जिक्र किया है काला अली नोबा वताब आब नमा कल्लाजल अबिलबा बिलवज सोम बिल्दैन सह बसी वल्कदमैन

जल चौदह सफ़ा पंद्रह पर लिखा है वक़ान अयास क्रोशेखनबाई यानी उलसरमा के उस्ताद थे शेख भाई शेख भाई जिक्र किया करते थे रज़ा अन आइंदना किताबू मदीनात के हमारे पास मदीनातल किताब है अकबरो मिन मज़ुरफ़ी ये किताब मलाज़रलफ़ीर से बड़ी किताब है वज़ा कर आबू हो फिर किताब दे रयात उस उसूलान खमसा और आ, उनके वालद माजिद शेख बहिलारमा के वाल माजिद ने है, किताब द्राए में जिक्र किया है कि हमारे पाँच असूल हैं अरबा व किताब इल्म चार किताबें प्लस किताब मदीनतम लाखन न हो लम न रहो लेकिन हमने उसे नहीं देखा वाहिर इन दुम ज़ाहिर यह है ये मलिसर फरमाते हैं कि ज़ाहिर यह है कि शेख बहाई और उनके वाल के पास ये किताब थी वज़ाआन हुमां और ये किताब उन दोनों से फ़ोत हो गई बर्बाद हो गई तलफ हो गई कमा दा आकसर कुतुब हमा जिस तरीके से खुद उनकी अक्सर किताब हो गई हैं यानी शेख भाई और उनके वालिद की खुद की किताबें बहुत ज़्यादा किताबें ज़ाय हो गई वक़ान अज क्रो कसिर इन्ना कुतुबी अल्फा किताबें अल्फा किताबें तकरीबन और शेख भाई रमा के वाले जिक्र किया करते थे बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे कि मेरी दो हज़ार तकरीबन किताबें हैं वबादा फ़ौत ही जहरा मिना करीबन लेकिन शेख भाई रामा के वालद के फ़ोत के बाद लगभग तकरीबन सात सौ किताबें जो है मंजर आम पर आई अब यहाँ पे हम अपने आज के जलसे को ख़त्म करते हैं और इन वाले जलसे में हम मला हजरलफ़कीर के सिलसिले में जानेंगे व आख़िर दामदुल्लही और अबिलमी